तो सुबह की शुरुआत होती है मॉर्निंग वॉक से। मैं और पापा मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। पापा ने बताया था पास वाले पार्क में बहुत अच्छे झूले लगे हुए हैं, तो चलो देखकर आते हैं। तो मैं और पापा गए और मैं बहुत टाइम बाद इस पार्क में गई हूँ, क्योंकि छठ पूजा जब होती है तभी ये देखने को मिलता है, बहुत अच्छा ही डेकोरेट होता है। तो जब मैं पार्क में पहुंची तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। गवर्नमेंट के इस काम से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये सारे झूले जिम के अकॉर्डिंग ही लगे थे। जो लोग जिम का चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए झूले हैं, और यहाँ सारे एज वाले जो है लोग हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ज़्यादातर तो अच्छी बात बच्चों के लिए, खेल खेल में एक्सरसाइज हो जाएगी। तो उस दिन रक्षाबंधन भी था, तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। और मैंने सोचा जल्दी से रेडी हो जाते हैं और राखी बांधना। तो मेरा तो कोई भाई नहीं है, लेकिन मैं हर साल अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट करती हूँ। हाँ, और एक बात है, मेरे एक छोटू से भाई हैं और सबसे पहली राखी मैं उनको ही बांधती हूँ, तो वो हमेशा मेरा साथ देते हैं मुसीबत में। तो मैंने सोचा जल्दी से रेडी हो जाते हैं और सबसे पहले उनको राखी बांधती हूँ। तो फाइनली मैं रेडी हो गई और मैंने रेडी होने की वीडियो अपलोड की है, क्योंकि मैं कभी भी इस तरह की वीडियो अपलोड नहीं करती। बट इस बार मैंने ट्राई किया है कि यार लोग जो है वीडियो अपलोड करते हैं जब रेडी होते हैं, तो मैं भी अपने फुल व्लॉग में ये अपलोड करूंगी। तो मैंने ये इयररिंग इसी ओकेजन के लिए ही परचेज की थी कि रक्षाबंधन में मैं इसको वियर करूंगी। फाइनली मैंने वियर करी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मैं कभी इतनी बड़ी इयररिंग नहीं पहनती हूँ। तो इस बार मैंने पहना तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और मैंने नॉर्मल मेकअप में करती हूँ, मैं ज़्यादा हार्ड मेकअप भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे सिंपल रहना बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ मैं शो करती हूँ इसको, और मतलब मुझे सिंपल ही अच्छा लगता है हर चीज़। तो मैंने अपनी स्मार्ट वॉच जो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है वो मैं हमेशा वियर करती हूँ, जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, हर वीडियो में मैं अपनी वॉच को वियर करती हूँ, हर एक ओकेजन में मैं वियर करती हूँ। तो फाइनल मेरा लुक ये है, और कैसी लग रही है मुझे जरूर बताना। मुझे ये सूट बहुत पसंद है और मैंने सोचा क्यों ना बहुत सारी वीडियो भी अपलोड करनी है, बहुत वीडियो भी क्रिएट करनी है, तो आज ये वाला सूट वियर किया जाए। उसके बाद मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी राखी की थाल जो है उसको रेडी की। तो मुझे सबसे पहले अपने छोटे से भाई को राखी बांधना था। कौन है वो भाई, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक मैं अपनी थाल तैयार कर रही हूँ। तो वो मेरे बचपन से ही वो मेरे दिल के बहुत करीब रहे हैं, और मेरा अपना कोई सगा कोई भाई नहीं है, तो मैंने हमेशा से बचपन से ही इनको ही अपना भाई माना है। और एक बात बताऊँ आप लोगों को, जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ ना तो मैं इनका ही नाम लेती हूँ। तो अभी तो इस वक्त ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्या बताऊँ, भगवान सबके पास एक साथ तो नहीं जा सकते ना, कभी ना कभी तो मेरा भी टाइम आएगा जो मेरी भी सुनेंगे। तो बस मैं आज भी यही कहती हूँ कि अपने भाई से मैं मांगा करती हूँ, छोटू से भाई से। तो सबसे पहली राखी मेरी इनके लिए होती है, हमेशा मैं इनकी पूजा करके और इनसे एक छोटी सी विक्स जरूर मांगती हूँ। तो सेकंड मैंने अपने पापा को राखी बांधी है। पापा को मैं हमेशा राखी बांधती हूँ बचपन से ही, क्योंकि भाई के समान पापा भी होते हैं, और क्योंकि भाई प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को, तो पापा भी हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जिनका कोई भाई नहीं है तो अपने पापा को राखी बांध सकता है, क्योंकि रिश्ता कभी भी किसी से कोई नाम नहीं होता, रिश्ते का किसी से भी जोड़ा जा सकता है, बस दिल साफ होना चाहिए। तो मैंने पापा को राखी बांधी और मुझे पता है क्या मिला, आप तो देख के समझ जाओगे, मुझे 500 की नोट मिली मुझे जल्दी से। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि इस पैसे की वैल्यू तो कुछ अलग ही होती है रक्षाबंधन मिले। उसके बाद मैंने दादी को राखी बांधा, दादी को भी मैं हमेशा ही राखी बांधती आई हूँ, और दादी भी पता है पैसे देती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने अपनी मम्मा को राखी बांधा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि रिश्ते के लिए अदर पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब बाहरी, रिश्ता जो है दिल से जुड़ा होता है। आजकल तो लोग पैसे से तोलते हैं, तो ये मेरे लिए मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो हम लोग आपस में ही ऐसे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे अच्छी बात बताऊँ तो ये मेरा छोटू सा पेट है नहीं, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी, बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट आए, मुझे देख कर बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरे सुख दुख का साथी है, मेरा बहुत क्लोज है, हमेशा मेरे साथ रहता है। एक स्टिक के लिए ना ये मेरे पीछे दो दो तीन तीन घंटे लगा रहता है, जब तक मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मेरे पास ही बैठा रहता है। तो मैंने इसको मिठाई नहीं दी, क्योंकि मुझे पता है कि मिठाई इसके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो एक स्टिक दी मैंने, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और इसके एक्सप्रेशन देखिए, इसने मुझे अपना हैंड दिया किस करने के लिए कि मुझे बस एक स्टिक दे दो। तो मतलब इसके एक्सप्रेशन इतने अच्छे लगते हैं ना कि मैं इसके क्लोज हमेशा ही रहती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद ना पूरा दिन जो है मीठा खा के बोर हो गई थी, रात में पनीर की सब्जी पूरी और पुलाव बना। वैसे पनीर की सब्जी मैं नहीं खाती हूँ, बट उस दिन बहुत ज़्यादा मन हो रहा था इसलिए ये बना। तो
ऐसे सेलिब्रेट किया हमने रक्षाबंधन, और हमेशा ही ऐसे सेलिब्रेट करती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।